फ्रेंड एक रेस वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था। एसएससी में भी रेस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए रेस वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है रेस वाला, कह रहा है ना, रेस ऑफ 100 3 हॉर्सेस, फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मीटर और तीसरे को 90 मीटर से बीट करता है। देखिए सबसे पहले तो एक रेफरेंस लाइन, तो आपको क्या बताना है, रेस कोर्स की पूरी लेंथ आपको बतानी है, तो कोई ना कोई एक रेफरेंस जरूर रहा होगा। अगर मैं आप बात करता हूँ कि मैं उससे इतनी दूर खड़ा हूँ, तो पूछेगा ना वो, भाई किससे कितना दूर खड़े हो आप। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ना ट्रैक 800 800 मीटर का ट्रैक था, 800 मीटर ट्रैक से मैं 11 मीटर पीछे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं इसे 11 मीटर मैंने इसको बीट किया है 11 मीटर, यानी कि वो 800 मीटर पहुंच गया, तो वो यहाँ पे खड़ा है, यानी कि एक रेफरेंस जरूर चाहिए। तो वो रेफरेंस मान लेता हूँ उस पूरे ट्रैक की हाइट एक्स है, तो अगर उसको बीट कर रहा है 11 मीटर से, तो ये 11 मीटर उसका पीछे होगा, एक्स माइनस 11, यानी कि ये आपका बी होगा और ये ए होगा, ठीक है, ए यहाँ पे पहुंच गया होगा। अब तीसरा इन्होंने कहा है कि तीसरे वाले को वो बीट करता है 90 मीटर से, यानी कि जो तीसरे वाला होगा उसकी जो वो होगा 90 मीटर, यानी कि वो 90 मीटर इससे पीछे खड़ा होगा, ठीक है, 90 मीटर। अब इन्होंने कहा है कि अगर सेकंड थर्ड को 80 मीटर से बीट कर रहा है, यानी कि सेकंड वाला बी, अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रैक पे पहुंचा दूं, तो वो इसको बीट कर रहा है 80 मीटर से, यानी इनके बीच में 80 मीटर का गैप होगा। समझ रहे हो आप बात, यानी कि मैं एक क्रिएट करता हूं कि स्पीड जो है वो हमेशा इनकी बराबर रहेगी, यानी कि एक्स माइनस 11 और एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू एक्स ओवर में एक्स बाय 80, ठीक है। ये आपको पता है कैसे आया, ये मैं बता देता हूँ। देखिए हमेशा आपकी स्पीड जो है वो बराबर रहेगी। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है, एक्स माइनस 11 और एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू एक्स बाय 80 है। आप क्या करो, सॉरी, एक्स माइनस 80 है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आया कैसे है ये। हाँ, ये समझ आ गया आपको कि ये इससे इतनी पीछे खड़ा है और ये इससे इतनी पीछे खड़ा है। देखिए मैं कह रहा हूं कि ए की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइम इंटरवल मैंने नोट किया, 1 घंटे का टाइम इंटरवल मैंने नोट किया, ए की स्पीड में मान लेता हूं 5 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड में मान लेता हूं 2 किलोमीटर पर आवर। तो ए 1 घंटे का टाइम मैंने नोट करा, 1 घंटे में ए जो है वो ये ट्रैक है 5 किलोमीटर पहुंच गया, भाई पहुंच गया, और बी कितना पहुंचा, 2 किलोमीटर, बी यहां पे पहुंचा 1 घंटे बाद, तो इनके बीच में टाइम कितने किलोमीटर का गैप रह गया, 3 किलोमीटर का, ठीक है। मैं कहूं कि ए जो है वो बी से कितना पीछे है, 3 किलोमीटर पीछे है। तो अगर मैं ये कहूं तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 5:2 हो गया। तो अगर मैं कहूं कि अगर मैं टाइम इंटरवल 1 घंटा 12 मिनट देता हूं, ठीक है, तो 1 घंटा 12 मिनट में अब ये क्या करेगा, 12 मिनट में कितना पहुंचेगा, 1 किलोमीटर और पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है आपकी, ठीक है, यानी कि 6 किलोमीटर, यानी कि ये आपका 6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और आ गया, यानी कि अब की वक्त ए जो है वो यहां आ गया आपका 6 किलोमीटर पर, ए आ गया। अब आप चीज देखिएगा, और बी आपका कितना आ गया, बी आपका आ गया 2 इंटू डिस्टेंस, क्या होता है आपका दूरी,
यानी कि आपका आ गया 2.4, यानी कि ये आपका बी जो है वो आपकी वक्त आ गया 2.4 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो अभी अगर मैं इनके बीच में गैप देखूं तो मेरे को गैप कितना आ रहा है, 6 में से 2.4 गए, यानी कि मेरे को 3.6 का गैप मिल रहा है, यही गैप मिल रहा है मेरे को 3.6 का। पहले गैप कितना था, पहले 3 किलोमीटर था, अभी 2.4 है। लेकिन अगर मैं इनकी स्पीड चेक करूं तो स्पीड का रेशो ये कितना हो गया, 5 ओवर में 2 2, यानी कि टाइम तो मैंने कांस्टेंट रख दिया कि 1 घंटा 12 मिनट दोनों के लिए है, एक उस वक्त यहां पहुंचा होगा एक उस वक्त। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है मेरी डिस्टेंस के, यानी इनके जो रेशो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे लगाया है, यही जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहां पे आपका बिल्ड किया है। यहां पे ये एक रेफरेंस लाइन मान लिया, अब कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो होगा किसके रिस्पेक्ट में वो बात कर रहा है, कि भाई वो ट्रैक की जो लेंथ थी एक्स है उससे 11 मीटर जो है वो पीछे खड़ा है, ठीक है, 11 मीटर पीछे, और इससे बीट किया है 11x-90। तो जहां से जितना बीट किया है तो उसके स्पीड का रेशो x-11 ओवर में x-90, विच इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जो स्पीड का रेशो है वो हमेशा आपका इक्वल रहेगा, तो ये आपका आ गया x ओवर में x-80। ये जो आपका स्पीड का रेशो है ये हमेशा आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जो कोरस्पोंडिंग जो डिस्टेंस है रेफरेंस लाइन से वो कितना कितना पीछे है, ठीक है, टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस की ही बात कर रहा है, यानी कि ये इसने x-11 जो है वो अभी तक डिस्टेंस कवर किया होगा और इसने x- डिस्टेंस जो है वो कवर किया होगा। अब आगे इसको क्या करना है, आगे जस्ट इसको सोल्व ही करना है। मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, आगे रेस्ट जो क्वेश्चन बचा वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बचा। x-11 ओवर में x-7 सॉरी 90 विच इज इक्वल टू x ओवर में x-80। अब मैं क्या करूँ, दोनों में से एक एक माइनस कर देता हूँ, तो जब मैं दोनों में से एक एक माइनस करता हूँ तो 90 में से मेरे पास 11 माइनस करके मेरे पास कितना आया, 79 आ गया, अपॉन में x-90 विच इज इक्वल टू, सॉरी x से x कट गया, और ये कितना आ गया आपके पास 80 ओवर में x-80। ये आप देखिए, ये 80x और ये 79x, तो इधर x आ गया, इधर आपका क्या बचेगा, ये 9 8 7200 माइनस के 79 × 80, 9 8 72, 8 7 56 और 7 67, यानी कि 6320 इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 880 मीटर इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। आपको इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है, अगर आप इसमें क्वाड्रेटिक बनाते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, जो कि इस सवाल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है रेसिस वाले जो कि काफ़ी अच्छे हैं, तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपको समझ आएगा, इस तरह से रेस का कोई भी क्वेश्चन है वैसे निकल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद। बाकी के क्वेश्चन मैं बचे हुए फिर करवा दूंगा।